हाई एवरीवन, वेलकम टू डेकनी फूड जायखा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल्स। चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बॉयल्ड श्रेडेड चिकन, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, मैदा, सॉल्ट, वेनेगर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस। चलिए अब चिकन स्प्रिंग रोल्स बनाने का प्रोसीजर देखते हैं। चलिए सबसे पहले शीट्स बना लेते हैं। मैदा लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वाटर ऐड करते हुए इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। डो हम थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। क्रिस्पी स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए हमें डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है। अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए डो हमारा तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट्स तक ड्रेस करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे इस तरह। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसकी शीट बना लेंगे। शीट को हमें रोटी की तरह नहीं बनाना है, थोड़ी सी थिन बनाना है। जितनी पतली आप शीट बेलेंगे उतने ही क्रिस्पी आपके स्प्रिंग रोल्स रहेंगे। देखिए थिन स्प्रिंग रोल शीट बनके तैयार है। शीट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। अब हम इन सारी शीट्स को तवे पे सेक लेंगे। शीट्स को रोटी की तरह नहीं सेकना है, बस वन साइड सेकना है, हल्का सा लो फ्लेम पर। देखिए शीट वन साइड हल्के से पक गई है। अब हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और शीट को निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी शीट्स बना लेंगे। देखिए हमारी शीट्स तैयार है। चलिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन बॉईल कर लेंगे। चिकन को हम कुकर में डाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अब हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड कर लेंगे और कुकर का लिड लगाकर चिकन को बॉईल के लिए रख देंगे। चिकन को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 2 विसल्स तक इसे पकाना है। देखिए चिकन बॉईल हो गया है। अब हम इसे शर्ट कर लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल्स सारे रेडी हैं और चिकन भी रेडी है। चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर फ्लेम पर रख देंगे, उसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को धीमा गर्म कर लेंगे। ऑयल में शर्ट किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड कर लेंगे। 30 सेकेंड्स तक इसे सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ शर्ट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे और रोस्ट कर लेंगे 5 to 6 मिनट्स तक। चिकन में हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को निकाल लेंगे। अब हम वेजिटेबल्स रोस्ट कर लेंगे। कंटेनर में ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कैरेट ऐड करेंगे। कैरेट को हम 4 to 5 मिनट्स तक सॉटे करेंगे। देखिए कैरेट थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हाफ कुक करेंगे। हाफ कुक वेजिटेबल्स से ही स्प्रिंग रोल्स मज़ेदार बनते हैं। देखिए कैरेट और कैप्सिकम को हमने भून लिया है। अब हम इसमें कैबेज ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट्स तक कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन के साथ दूसरी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस, वेनेगर। इस पॉइंट पे आप टेस्ट चेक कर लीजिए। अगर सॉल्ट की ज़रूरत महसूस हो तो सॉल्ट ऐड कर लीजिए और ब्लैक पेपर भी ऐड कर लीजिए।
सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। 1 to 2 मिनट्स तक कुक कर लें। देखिए स्टफिंग तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। चलिए अब स्प्रिंग रोल्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैदे की स्लरी बना लेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे और उसमें वाटर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लरी तैयार है। अब हम एक शीट लेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी, इसमें अब हम स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग आपको जितनी पसंद है उतनी ऐड करें। स्टफिंग को हम एक साइड में कर लेंगे शीट के, इस तरह। अब हम शीट को स्लरी लगा लेंगे। स्प्रिंग रोल को बाइंड करके रखने के लिए हम स्लरी का यूज़ करते हैं ताकि फ्राई करते वक्त वो खुल ना जाए। स्लरी को उंगली से अच्छे से फैला लेंगे। अब हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। स्प्रिंग रोल रेडी है। इस तरह हम सारे स्प्रिंग रोल्स बना लेंगे। देखिए सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। अब हम एक टिश्यू पेपर प्लेट पे स्प्रेड कर देंगे। चलिए अब स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को धीमा गर्म कर लेंगे और उसमें स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे। स्प्रिंग रोल्स को 2 साइड्स अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन कलर होने तक। देखिए स्प्रिंग रोल्स अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर स्प्रेड कर देंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। इसी तरह हम सारे स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर लेंगे। पैन में आप एक से ज़्यादा भी स्प्रिंग रोल्स डालकर फ्राई कर सकते हैं। देखिए मज़ेदार रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल्स बनके तैयार हैं। आप स्प्रिंग रोल्स को टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।